आदर आदाब अभिनंदन आभार। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे नेल्स की शेप। वैसे तो बहुत टाइप्स की शेप्स होती हैं, मोस्टली पांच टाइप की शेप होती है जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ और आई होप आपको समझ में आएगा। तो मोस्टली क्लाइंट्स भी यही शेप रखते हैं, हम लोग शेप किसी को सजेस्ट करते हैं तो ये वाली शेप ही सजेस्ट करते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा लास्ट तक वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आती है राउंड शेप, जो जिसका आकार होता है इस टाइप से, है ना, हल्का सा राउंड होता है आगे से। इसमें आप लॉन्ग नेल में भी कर सकते हो, शॉर्ट में भी कर सकते हो। फिर आती है आपकी स्क्वायर शेप। आप एक कॉपी पेन लेके उसमें ये लिख लें ताकि आपकी जो क्लास है आप नोट्स भी लिखते रहें ताकि आपको इजी रहे। तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर में ये आगे से ऐसे स्क्वायर रहेगा। और आप इसको चाहें तो हल्का सा यहाँ से राउंड दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये तीखा रहता है तो हर्ट करने का डर रहता है। तो उसके बाद आ गया ओवल शेप। ओवल शेप में क्या होता है, मतलब राउंड के साथ थोड़ा स्क्वायर सा शेप फील होता है हमें। ओवल आ गया तीसरे पे। चौथे पे आ गया आलमंड शेप। राउंड होने के बाद हल्का सा ऐसे तीखे टाइप में रहता है, आगे से थोड़ा तीखा होता है और ऐसे यहाँ से राउंड जाते हुए आगे से थोड़ा तीखा हो जाता है। ये हो गया चार नंबर पे आलमंड शेप। पांच पे आगे आ गया आपका कॉफिन शेप। ये आपका यहाँ से ऐसे तीर्छा जाते हुए आगे से स्क्वायर देने से, और फिर पीछे का नेल जितना लॉन्ग हो वो। अब हो गया ये पाँच टाइप का आपका शेप। अब इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, इनकी प्रैक्टिस आप फेक नेल्स पे करेंगे। ओरिजिनल नेल्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल नेल्स तक जाने के लिए आपको फेक नेल्स पे पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैंने फेक नेल को इस टाइप की स्टिक पे चिपका लिया है। इसके टूल्स भी आते हैं काफ़ी सारे, मैं आप लोगों को जुगाड़ के साथ काम करना सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट ना हो और आप लोग अच्छे से सीख पाएं। सबसे पहले हम ले रहे हैं राउंड शेप। अब राउंड शेप की प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, स्टिक के साथ आपने चिपकाया हुआ नेल है आपका, ठीक है, फिर आप ये जो फाइलर है इसके साथ आप इसको राउंड शेप को यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, इसको राउंड करेंगे नेल को, ठीक है। राउंड शेप सबसे इजी होता है, स्क्वायर भी सबसे इजी होता है, पर स्क्वायर जब आपका नेल स्क्वायर हो तो इजी होता है। अदरवाइज अगर राउंड शेप का नेल है आपका उसको स्क्वायर करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। राउंड में आपको जस्ट यहाँ से राउंड कर देना है हल्का सा, बहुत इजी सा प्रोसेस है राउंड का। शेप देना मोस्टली लोगों को आता ही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको शेप देना तो आता ही होगा, नहीं आता है फिर भी मैं आपको सिखा रही हूँ ताकि आपके लिए हर चीज़ इजी बन जाए। ये देखो ऑलमोस्ट राउंड शेप हो चुका है ना, ये हो गया आपका राउंड शेप। उसके बाद बारी आती है आपकी स्क्वायर की। अपने पास जो नेल्स हैं वो ऑलरेडी स्क्वायर शेप के हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ आगे से। आपके नेल में अगर पॉइंट है आपको जस्ट उसको घसना है, ठीक है, सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। इसको आप ऐसे रख के देख सकते हैं कि कहीं पे कम ज़्यादा तो नहीं, अगर है तो आप इसको फिर से इसको शेप दें और यहाँ से जस्ट हल्का सा ये जो पॉइंट है इसको आप ख़त्म कर दें, ये पॉइंट ना रखें, है ना। और ये हो गया आपका स्क्वायर शेप। मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं जो मेरे को शेप पे वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे, तो मैं स्पेशली उन्हीं के लिए बना रही हूँ ये। उसके बाद आता है आप अपना ओवल शेप। ओवल शेप में आपको स्क्वायर के साथ राउंड रखना है, तो जस्ट इसको यहां से राउंड शेप दो और यहां से इसको स्क्वायर रखो। इस टाइप से, ठीक है। फिर आता है आपका आलमंड शेप। आलमंड शेप के लिए आपको तो थोड़ा ज्यादा घिसना है यहां से, अच्छे से देखिएगा। मेरे को बहुत से लोग प्रोडक्ट के लिए पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करें, मैं आपको मेरी आईडी मेंशन कर दूंगी। और ये शेप के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जेल एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन सिखाऊंगी। जेल से बहुत इजी होता है, सबसे टफ होता है एक्रेलिक से, जिसकी वीडियो मैं स्टार्टिंग में डाल चुकी हूँ ताकि अब आपको सब चीज़ इजी इजी लगे। जेल जब करेंगे वो बहुत इजी लगेगा आपको, एक्रेलिक जो है वो हैंड टू हैंड सूख जाता है, तो जेल आपका हैंड टू हैंड नहीं सूखता है। तो आप जेल को अच्छे से, मतलब उसमें सफाई नहीं भी है तो आप उसको क्लीन करके देन उसको सफाई दे सकते हो। फिर आप यूवी लैंप पे, जब तक आपके सफाई नहीं है एप्लीकेशन में तब तक यूवी लैंप में क्योर ना करें, फिर सफाई जब आ जाए तो उसको यूवी लैंप में क्योर करें। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। सब मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब मैंने जो
स्टार्ट किया वीडियो बनाना जिस पर्पज से, वो मेरा पर्पज पूरा हो रहा है। आप लोगों को हेल्पफुल रह रही है मेरी वीडियोस, और आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, लाइक्स कमेंट्स सब देते हैं आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो गए हो, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं और भी अच्छे से जितना हो सके उतना अच्छे से आप लोगों को सिखाऊं। और मतलब एक सोचने वाली बात है, मैं कहाँ मतलब राजस्थान में बैठी हूँ और आप लोग पता नहीं इंडिया के कौन से कोने से मेरे को देख रहे हैं। मेरी वीडियोज आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल हो रही है, एज ए टीचर मैं आपको गाइड कर रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे मैं इंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ में, मुझे खुशी हो रही है आप लोगों को सिखाने में बहुत। मतलब कोई भी इस चीज़ का मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, मैं कोर्सेज के पैसे भी लेती हूँ, सब लेती हूँ, कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर भी एक अलग सी खुशी है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग मतलब मेरी वीडियोज देख रहे हैं और वो पसंद कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से प्यार देते रहें ताकि मैं आगे भी आपको बहुत कुछ सिखाती रहूँ। ये देखो ये ऑलमोस्ट ऑलमंड शेप बन गया है। अब आता है आपका कॉफिन। कॉफिन में भी आपको यहीं से इसको शेप देना शुरू करना है। आपको ये वाला पार्ट पूरा अच्छे से घस देना है। हैंड पे थोड़ा इजी रहता है आपको फिंगर पकड़ के फिर शेप देना, और इस पे थोड़ा टफ होता है, लेकिन आप मेरा यही कहना है कि आप इस पे पहले प्रैक्टिस आप इस पे करें अच्छे से, फिर आप हैंड पे करें, आपको इजी रहेगा। आप जब हम स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड काम कर लेते हैं ना, तो फिर इजी काम करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो मैंने मेरे कोर्स में भी इसमें, और ये जो मैं यूट्यूब पे सिखा रही हूँ इसमें भी मैंने यही रखा। मैंने सबसे पहले आपको एक्रेलिक बताया, जो कि सबसे लास्ट में बताते सब लोग, क्योंकि जिस चीज़ की हमें ज़्यादा प्रैक्टिस है हम लोग सबसे पहले वो चीज़ करेंगे ना। और अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती है, गलती होती है, आप प्लीज़ मेरे को बताइए, और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। इस टाइप से आपको दोनों साइड से यहाँ से हल्का इस टाइप से घिस देना है। बहुत केयरफुली काम करना आपको। इसमें हल्का सा भी कहीं से ज्यादा कम हो जाता है ना, तो मतलब पूरा शेप ही चेंज हो जाता है, फिर हमें दूसरा या तो प्रैक्टिस के लिए नेल लेना पड़ता है, और हम अगर ओरिजिनल नेल पे वर्क कर रहे हैं तो हमें फिर उसको या तो शॉर्ट करना पड़ता है या फिर हमें उसकी शेप ही चेंज करनी पड़ती है। हो चुका है ये, नेल की क्लासेस जब खत्म हो जाए तो आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएं कि मैं किस चीज की क्लासेस आगे डालूं, मेकअप की डालूं या हेयर की डालूं। आप लोगों के जिसके ज्यादा मतलब वोट होंगे मैं उस अकॉर्डिंग क्लासेस आगे स्टार्ट करूंगी। नेल की मैं अब जेल एक्रेलिक बता दूंगी, फिर आर्ट का बीच बीच में चलता रहेगा, क्या क्या आर्ट्स होते हैं, क्लासेस के साथ भी मैं शॉर्ट्स डालूंगी आर्ट के। ये देखो हो गया अपना कॉफिन शेप। अब आपको ये याद रखना है पांच टाइप की आपकी शेप है, आपको किस टाइप से प्रैक्टिस करनी है, ये चीज प्रैक्टिस के लिए है। फिर आपको ओरिजिनल नेल पे करनी है, ओरिजिनल नेल पे करने के बाद आपको जो भी आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। इससे आगे भी शेप्स होती है, वो मैं कभी किसी वीडियो में डाल दूंगी कि और क्या क्या शेप होती है। मोस्टली यही शेप्स होती है, राउंड, स्क्वायर, ओवल, ऑलमंड, कॉफिन, आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है। आप लिख लेना, प्रैक्टिस करना, कुछ सीखने को मिले मुझसे तो दुआओं में याद रखना।